थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस आज कर रहे हैं तरकारली सराउंडिंग प्लेसेस के ऊपर, बोट राइड लेके बीच टू बीच, और कुछ यूनिक प्लेसेस हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कोकन के ऊपर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड डे। तो हमारा आज का जो तरकारली का ट्रैवल व्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंटली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जगह पे मैं एक्चुअली खड़ा हूँ ये क्वाइट अपबीट लोकेशन है तरकारली में, क्योंकि तरकारली का वीडियो यूजुअली स्टार्ट होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स या कोई नहीं तो कोंकण सी बीच से। मैं एक्चुअली जिस जगह पे भी खड़ा हूँ, ये जगह पुणे से ऑलमोस्ट 410 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, मुंबई से ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर डिस्टेंस, और गोवा से नियर अबाउट 150 किलोमीटर डिस्टेंस, और ये जगह का नाम है तरकारली बंदर। तो हम लोग एक्चुअली ये बोट लेके अभी तरकारली के बंदर से ये करली नदी के ऊपर से कुछ राइड लेंगे और कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू हैव अनदर बोट राइड, क्योंकि आपको पता है हम लोग सिंधुदुर्ग टूरिज्म के अंदर बाकी जगह पे भी कुछ बोट राइड्स लिए थे, तो फिलहाल बोट हमारे लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हमारा ये करली नदी के ऊपर से बोट राइड स्टार्ट हो गया है, और करली नदी का इस तरफ है तरकारली गांव, इस तरफ है करली गांव, और ये जो अभी बोट राइड है ये ऑलमोस्ट 1 way 7 किलोमीटर्स है, तो हम लोग 7 किलोमीटर्स जाएंगे और वापस आएंगे, एंड इन बिटवीन हम लोग बहुत सारे स्पॉट्स को कवर करेंगे। लो टाइट और हाई टाइट रहती है 6 घंटा। अच्छा रहता है ये 40 किलोमीटर का पूरा 40 किलोमीटर का मैप होता है। अरे बाप रे, ये हाउस बोट है। अच्छा ये एमटीडीसी का हाउस बोट है क्या? ये घूमने के लिए पहले जाता था, हम गाइड संगम के लिए भी जाता था। अच्छा, खाना पीना सब अंदर ही रहता, अभी इसका काम चालू है। बाजू से एक्चुअली अभी तरकारली गांव था, वो अभी देवबाग गांव स्टार्ट हो गया, और इस तरफ मैनग्रोव का फॉरेस्ट ये बैकवाटर के ऊपर। तो ये बेसिकली ये समुंदर पे हमें दिखता है सीगल, और यहाँ पे बहुत सारे सीगल हमें देखने को मिल रहा है ये बैकवाटर के ऊपर। ये करनी नदी का जो बैकवाटर है आप इस तरफ देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है सफेद पूरा। तो ये जो आप गांव देख रहे हो ये करली गांव है, करली विलेज, करली नदी का इस पार, और यहाँ से वेंगुर्ला का तालुका स्टार्ट हो गया। तो ये जो आप देख रहे हो ये सुनामी आइलैंड है, यहाँ पे फेमस है। तो अभी आप देख चुके होंगे कि वहाँ पे कुछ लोग पानी में उतर के कुछ वाटर स्पोर्ट्स वगैरह ले रहे हैं, और जब लो टाइड रहता है तो और भी हमें थोड़ा मिट्टी वगैरह दिखता है। तो अभी थोड़ा बीच का टाइम है, हाई टाइड भी ज़्यादा नहीं है, लो टाइड भी नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी में लोग उतर के थोड़ा वाटर स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे उनका एंजॉय कर रहे हैं। दूर से देख के लग रहा है कि पानी में लोग चल रहे हैं। 2004 में एक्चुअली जो सुनामी आया था वो एक्चुअल जो सुनामी आइलैंड था वो मिट्टी मतलब पानी के अंदर चले गए, और यहाँ पे कुछ इन लोगों ने ये वाटर स्पोर्ट्स के लिए सुनामी आइलैंड को बाद में बनाया। और ये सुनामी आइलैंड के बाजू में एक्चुअली नेवली गांव है, वेंगुर्ला तालुका के अंदर ही, पूरा केरला जैसा व्यू है यहाँ पे बैकवाटर पे, नदी के पार से एक्चुअली पूरा नारियल के पेड़ एक के बाद एक, और उस तरफ ये पहाड़ है। तो पहाड़ तो केरला में नहीं दिखता है, वो यहीं पे मुझे दिख रहा है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है।
बेटर इन व्यू। तो ये जो सामने हम देख रहे हैं ये क्रोकोडाइल पॉइंट नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो पहाड़ का शेप है आप थोड़ा नज़दीक से ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखेंगे कि एग्जैक्टली क्रोकोडाइल यहाँ पे नदी के पास एक्चुअली सोए हुए है। तो ये जो जगह अभी हम लोग टहल रहे हैं एक्चुअली ये जगह एक्चुअल में सुनामी आइलैंड नाम से जाना जाता था, क्योंकि 2004 का जो सुनामी हुआ था ये इंडियन ओशन पे, वो उस टाइम पे ये पूरा जमीन मिट्टी पानी के अंदर चला गया और तब से एक्चुअली ये पानी के अंदर ही रहता है। तो पहले जो वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होते थे वो अभी बंद हो गया है यहाँ पे, और हम लोग जो थोड़ी देर पहले वहाँ पे देखे तो वो एक्चुअली वाटर स्पोर्ट्स वहाँ पे शिफ्ट हो गया। हम लोग सागर संगम पे आ गए कर्ली रिवर के ऊपर बोट राइड करते करते। ये मेरे सामने आप देख सकते हो सागर, मैं दिखा देता हूँ, इस तरफ है देवबाग का बीच और मेरे इस तरफ है गोगवे बीच। दोनों बीच काफी फेमस है एक्चुअली, ये देवबाग बीच या गोगवे बीच दोनों पे ही आ सकते हो और रास्ते से भी आ सकते हैं। एक्चुअली हम लोग बोट राइड करके आए, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये जेंटलमैन लेडीज लोग पैरासेलिंग के लिए जा रहे हैं समुंदर पे। तो ये बोट अभी थोड़ा छलांग मार रहा है तो इससे पता चलता है कि हम लोग संगम पे है। वो समंदर का जो लहरें है वो अभी बोट को पूरा धक्का लगा रहा है। तो हम लोग अभी तरकाली बंदर से तरकाली पोर्ट से एक्चुअली ये बोट राइड करके काली रिवर के ऊपर से काफी स्पॉट्स देख के जो जगह पे अभी उतरे बेसिकली ये है बोगवे बीच और उस तरफ है देवबाग बीच। तो हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे उतरे पर ये मेरे सामने अभी है समुंदर का संगम। तो ये जो जगह है बेसिकली मुझे थोड़ा आइलैंड टाइप का लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इस तरफ भी समुंदर का पानी आ गया, इस तरफ भी आ गया। हम लोग अभी भोगवे बीच पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर से ये रिटर्न राइड कर रहे हैं सेम बोट लेके। यहाँ पे भी एक आइलैंड जैसा फॉर्म किया है, अब ये संगम एरिया है, संगम तो बीचों बीच एक्चुअली, और ये आइलैंड में बहुत सारे सीगल्स, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम लोग रिटर्न आते वक्त वो भोगवे बीच के बाद अभी देवबाग बीच में थोड़ा उतरे हैं। तो ये बीच भी मालवन के अंदर आते हैं, वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट। आप रोड से भी आ सकते हो पर हम लोग जैसे आपको बता रहे थे कि थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस आज कर रहे हैं तरकाली सराउंडिंग प्लेसेस के ऊपर, बोट राइड लेके बीच टू बीच और कुछ यूनिक स्पेसेस हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कोकण के ऊपर। तो देवबाग बीच मालवन का ये जो सी बीच है यहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स हमें देखने को मिल रहा है, कुछ स्काई स्पोर्ट्स एज वेल।
When traveling all these Maharashtrian places, I repeat a specific question every time. Again, I do repeat today. Did you know that Maharashtra is this beautiful? बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअली, कुछ यूनिक एक्सपीरियंस मेरे लिए। अभी हम लोग एक्चुअली ये काली रिवर के ऊपर बोट राइड खत्म करके फिर से वापस तरकाली बंदर पे आके उतरे। नितिन जी एक्चुअली हमारा कैप्टन था हमारा बोट का पूरा सफर का, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से सफर करवाया। तो हम लोग एक्चुअली जैसे आपको बता रहे थे कि बहुत सारे पॉइंट्स देखे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा सा सफर था नितिन जी एक्चुअली, बहुत ही अच्छा सा एक्चुअली। हम लोगों को करीब 2 घंटे लगे ना जाने आने में। मैं तो खुद बाहर भी बैकवाटर्स में बोट सफारी किया हूँ और महाराष्ट्र पे भी किया हूँ, केरला पे भी किया हूँ, और यहाँ पे आके तो कुछ डिफरेंट फील हो रहा है। ये राइड आप डेफिनेटली आप अवेल करो, बहुत ही अच्छा फील होगा। तो नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत अच्छा सफर हुआ आपसे।